नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूपी में 7 चरणों में होने वाले मतदान में से 6 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। छठे चरण में कुल 55.79% वोटिंग हुई, जिसके साथ ही सीएम योगी समेत 679 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में छठे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, जिसमें 10 जिलों की 57 सीटों पर 679 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। छठे चरण के लिए यूपी में कुल 55.79% मतदान हुआ। इस चरण में दिग्गजों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से रण में थे। वहीं तमकुही राज्य में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी चुनाव लड़ रहे थे। इस चरण में हुई वोटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग अंबेडकर नगर में हुई है, जहां 62.66% वोट पड़े हैं। वहीं बलरामपुर में सबसे कम 48.90% मतदान हुआ है। वहीं महाराजगंज में 59.50%, कुशीनगर में 59%, गोरखपुर में 58.89%, देवरिया में 56%, बस्ती में 57.20%, संत कबीर नगर में 52.20%, बलिया में 52.20% और सिद्धार्थ नगर में 51.60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन 57 सीटों पर खड़े 776 प्रत्याशियों में से 67 महिला प्रत्याशी थी। आपको बता दें कि इस चरण में जहां 55.79% वोटिंग हुई, तो वहीं साल 2017 के छठे चरण में इन्हीं 57 सीटों पर 56.47% वोटिंग हुई थी। और 2012 की बात करें तो यह आंकड़ा 55.19% था। वहीं साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं 57 सीटों में से 46 सीटें बीजेपी के झोली में आई थी। वहीं 3 पर सपा, 4 पर बसपा और महज 1 सीट से कांग्रेस को संतुष्ट करना पड़ा था। दरअसल यूपी के 403 सीटों में से 349 सीटों पर अभी तक वोट डाले जा चुके हैं। वहीं आखिरी बचे 54 सीटों पर अंतिम चरण में 7 मार्च को वोटिंग होगी और 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं लखनऊ में ईवीएम सेंटर पर बवाल के मामले में चुनाव आयोग ने लखनऊ मध्य के ACM और रिटर्निंग अफसर गोविंद मौर्य को हटा दिया है। आयोग ने मतदान के रिटर्निंग ऑफिसर को हटाकर उनकी जगह अजय कुमार पांडे को नया ऑफिसर नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से इस मामले में आयोग ने शिकायत की थी। महराज 6 चरणों की 349 सीटों की जनता ने अपना फैसला सुना दिया और 7 मार्च को आखिरी 54 सीटों की जनता भी अपना फैसला सुना देगी, जिसके बाद आखिर कौन यूपी की सत्ता में अरूढ़ होगा, इसके नतीजे 10 मार्च को घोषित कर दिए जाएंगे। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।